2021 में भारत की सरकार कुछ नए आईटी रूल्स लेकर आई, जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स को कहा गया कि वो जरूरत पड़ने पर इस बात की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के साथ साझा करे कि कोई मैसेज शुरू में किसने लिखा है। यूके गवर्नमेंट ने 2017 में व्हाट्सएप और फेसबुक से कहा कि जरूरत पड़ने पर वो दो लोगों की चैट रिकॉर्ड्स को गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, एक बैकडोर एक्सेस गवर्नमेंट को दे। ऐसे कई केसेस दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और व्हाट्सएप जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के बीच में हो चुके हैं। इसके ऊपर कई लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप खुद दो लोगों के बीच में होने वाली चैट्स को रीड कर सकता है और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालकर एडवर्टाइजर्स को बेचता है। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप 2016 के बाद से एंड टू एंड एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इन माई ओपिनियन व्हाट्सएप सच बोल रहा है। उसके पास वाकई में इनमें से किसी भी काम को करने की कैपेबिलिटी या एटलीस्ट इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो 2016 के बाद से एंड टू एंड एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा है। यही फैक्ट बहुत सारी सरकारों और ऑब्वियसली हैकर्स को पसंद नहीं आता। सरकारें तो बेस्ट केस सिनेरियो में नेशनल सिक्योरिटी के लिए दो लोगों के बीच में होने वाली चैट्स को पढ़ना चाहती हैं और फेक मैसेज के ओरिजिन्स को ट्रेस करवाना चाहती हैं। हैकर्स तो केवल आपका डेटा चुराना चाहते हैं। इस पूरे सिनेरियो की रियल वर्ल्ड डिटेल्स इस प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी की डिबेट पर हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, पर पहले देखते हैं कि ये एनक्रिप्शन आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। इमेजिन कीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एलिस और बॉब। जैसे ग्रामर में राम और जॉन है, वही स्टेटस क्रिप्टोग्राफी में एलिस और बॉब का है। दोनों एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर सर्वर का डेटा लीक हो जाता है या कोई अगर आपके कम्युनिकेशन को बीच में इंटरसेप्ट कर ले तो आपकी सारी की सारी चैट्स लीक हो सकती हैं। इसको काउंटर करने के लिए एलिस और बॉब डिसाइड करते हैं कि अब से वो मैसेज के हर लेटर को उसके चार स्टेप आगे वाले लेटर से चेंज कर देंगे। बॉब अगर अब हेलो सेंड करना चाहे तो वो हर लेटर को चार स्टेप आगे बढ़ा देगा, LIPPS, और ये मैसेज एलिस को भेजा जाएगा। एलिस हर लेटर में से चार माइनस कर ओरिजिनल मैसेज को रिट्रैक्ट कर सकती है। अगर कोई बीच में बैठकर इस कॉन्वर्जेशन को सुन भी रहा है तो उसे जो मैसेज दिखाई देगा उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये ही एनक्रिप्शन का बेसिक आइडिया है, आपके मैसेज को किस तरीके से तोड़ा मोड़ा जाए कि सेंडर और रिसीवर के अलावा उसे कोई भी ना समझ पाए। एलिस और बॉब ने अपने कॉन्वर्जेशन को जिस तरीके से एनक्रिप्ट किया है उसके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ऑब्वियस है, अगर कोई पेन पेपर लेकर 20 मिनट बैठे तो वो भी एनक्रिप्शन ब्रेक कर सकता है। एक C++ कंप्यूटर प्रोग्राम को तो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने में 0.05 सेकंड्स भी नहीं लगे। तो ये टेक्निक, जिसका नाम सीजर साइफर है क्योंकि जूलियस सीजर इसका इस्तेमाल करता था, काफी वीक है। आज हम डेटा एनक्रिप्शन के लिए मेनली AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, जिसकी वर्किंग इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। पर AES इतना सिक्योर है कि अगर आप धरती की सारी बिजली और सारी कंप्यूटिंग पावर एनक्रिप्शन को ब्रूट फोर्स लगाकर तोड़ने की कोशिश करोगे फिर भी करोड़ों साल लग जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है की शेयरिंग की। एलिस और बॉब के एग्जाम्पल पर वापस चलें तो बॉब ने हेलो के हर लेटर को 4 स्टेप आगे बढ़ा दिया, पर एलिस को कैसे पता कि नंबर ऑफ स्टेप्स 4 ही हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पर पूरे एनक्रिप्शन की है। अगर ये किसी को पता चल गया कि की क्या है तो AES हो या सीजर साइफर, कोई इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड किसी काम का नहीं है। पर बिना की के एलिस के या किसी भी रिसीवर के पास डिक्रिप्शन का कोई तरीका नहीं है। अब ये की एलिस को पहुंचाई कैसे जाए? हो सकता है एलिस और बॉब का फिजिकली मिलना इम्पॉसिबल हो। इस की शेयरिंग की प्रॉब्लम से निपटने के दो मेजर और पॉपुलर तरीके हैं और दोनों ही लगभग एक ही तरीके की मैथ्स को यूज करते हैं। दो प्राइम नंबर्स लेते हैं 19 और 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 323। इजी क्वेश्चन था, पर अगर सवाल को उलट दिया जाए तो अगर मैं पूछूं कि 899 किन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसका जवाब देने के लिए आपके पास एक एक कर 899 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और कुछ देर बाद ट्रायल एंड एरर से शायद आपको आंसर मिल भी जाए 29 × 31 = 899। पर अगर नंबर 899 की जगह कुछ ऐसा हो तो इस तरीके की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जहां एक तरफ जाना तो काफी आसान है पर वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल, ट्रैपडोर फंक्शंस कहे जाते हैं, और ये फंक्शंस ही एनक्रिप्शन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऐसे कुछ फंक्शंस या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने अभी करके देखा, डिस्क्रीट लॉगरिथम्स और एलिप्टिक कर्व्स। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
वापस की शेयरिंग की प्रॉब्लम पर आते हैं। मैंने कहा था कि इसके दो पॉपुलर मेथड्स हैं। पहला मेथड है RSA। बेसिकली आपके पास अब केवल एक नहीं दो कीज होंगी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। पब्लिक की इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी, पर प्राइवेट की केवल और केवल आपके डिवाइस में स्टोर रहेगी। तो अगर आपको कोई मैसेज भेजे तो वो आपकी पब्लिक की को यूज करके उस मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, और केवल आप जिसके पास प्राइवेट की है वो ही उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। RSA की सिक्योरिटी प्राइम फैक्टराइजेशन और डिस्क्रीट लॉगरिथम्स पर डिपेंडेंट है। दूसरा तरीका है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज, जिसको बिना मैथ्स के अक्सर कलर्स का यूज करके समझाया जाता है। हमारे दो लोग एलिस और बॉब ऑब्वियसली अब मैसेजेस की जगह कलर्स भेज रहे हैं। प्रॉब्लम वही है कि कैसे एक सीक्रेट कलर या की इन दोनों के बीच में शेयर की जाए। डिफी हेलमैन के अकॉर्डिंग दोनों अपना एक प्राइवेट कलर डिसाइड करेंगे जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले, रेड और ब्लू फॉर एग्जाम्पल। अब दोनों एक पब्लिक कलर डिसाइड करेंगे जो उन दोनों को और पूरी दुनिया को पता होगा। बॉब अपने प्राइवेट कलर को पब्लिक की के साथ मिक्स कर एलिस को सेंड करेगा और एलिस बॉब को। अब अगर दोनों अपने अपने प्राइवेट कलर्स को इन इंटरमीडिएरी कलर्स में मिक्स करेंगे तो बस दोनों के पास अब एक ही कलर है जो किसी और के पास नहीं है। रियलिटी में कलर्स की जगह नंबर होते हैं और मिक्सिंग की जगह कोई वन वे फंक्शन जैसे मॉड्यूलर डिस्क्रीट लॉगरिथम या एलिप्टिक कर्व, पर रिजल्ट वो ही है, एक ऐसा नंबर जो एलिस और बॉब के अलावा किसी के पास नहीं। इस नंबर को की तरह यूज किया जा सकता है। अब डिफी हेलमैन और RSA मैथमेटिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है अगर उनका इस्तेमाल ढंग से किया जाए तो, पर इनकी भी कुछ अपनी कमियां हैं, जिस वजह से व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्स बहुत सारे मेथड्स का एक मिक्सचर यूज करते हैं जिसका नाम है सिग्नल प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से काम करता है। जब भी व्हाट्सएप पर कोई नया अकाउंट बनाता है तो उसके डिवाइस में तीन तरीके के की पेयर्स का जेनरेशन होता है, आइडेंटिफायर की पेयर, एक साइंड प्री की और तीसरा एक वन टाइम कीज की लंबी सी क्यू, जिनमें से कोई एक बाकी यूजर्स के साथ इनिशियली शेयर होती है। इन सब की पब्लिक कीज तो व्हाट्सएप के सर्वर में स्टोर्ड होगी, पर प्राइवेट की केवल और केवल आपके डिवाइस में रहेगी। जब आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो अपनी खुद की आइडेंटिफायर की और एक वन टाइम रैंडम एफेमरल की का यूज करेगा और आपके पब्लिक डेटा को सर्वर से एक्सेस करेगा। यहाँ पर टोटल चार डिफी हेलमैन की एक्सचेंजेस होते हैं और इन सब का यूज करके एक मास्टर की का जेनरेशन होता है। फिर सेंडर पहले मैसेज के साथ अपनी पब्लिक आइडेंटिटी की, एफेमरल की, वो वन टाइम की इन्फॉर्मेशन जो आपकी यूज हुई थी और थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा रिसीवर को भेजेगा। अब रिसीवर अपनी प्राइवेट कीज का यूज कर वही चार डिफी हेलमैन की एक्सचेंजेस करेगा तो उसे भी मास्टर की मिल जाएगी। यहाँ पर व्हाट्सएप और बाकी कुछ एप्स एक छोटा सा फीचर यूजर्स को देते हैं ये चेक करने के लिए कि मैन इन द मिडल अटैक तो नहीं हुआ है, जो कि ये नंबर है। ये नंबर दोनों पार्टीज के पब्लिक कीज को आपस में मिक्स और हैश करके बनाया गया है। खैर, सिग्नल प्रोटोकॉल यहाँ पर खत्म नहीं होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो मास्टर कीज बनाई गई थी उनका डायरेक्टली यूज नहीं होता है, इसको एक KDF या की डेरिवेशन फंक्शन से पास किया जाता है जो एक नई की बनाता है, और ये प्रोसेस भी रिवर्स करना नियर इम्पॉसिबल है। ये नई की केवल एक मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज होती है, नए मैसेज के लिए फिर KDF से नई की बनेगी, अगले के लिए फिर, एंड सो ऑन। इसके ऊपर हर कुछ टाइम में पूरी चेन को एक और डिफी हेलमैन शेयर्ड की से रिसेट किया जाता है। व्हाट्सएप और सिग्नल ये रिसेटिंग हर मैसेज डिक्रिप्शन के साथ करते हैं। ये इतना बड़ा सिस्टम एंश्योर करता है कि पहले तो एक की को ब्रेक करना नियर इम्पॉसिबल है, और अगर वो की ब्रेक हो भी जाती है तो आपके आगे के मैसेजेस और पीछे के मैसेजेस को पढ़ना इम्पॉसिबल हो। तो ये तो थी व्हाट्सएप की एंड टू एंड एनक्रिप्शन की प्रोसेस, सिग्नल प्रोटोकॉल की प्रोसेस। तो अगर मैं इस बात का जवाब फिर दूं कि क्या व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को रीड कर सकता है, नो, व्हाट्सएप कैन नॉट। गुड न्यूज, राइट? हो सकता है किसी कोर्ट केस में दो लोगों के बीच की चैट को किसी प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाना हो, या गवर्नमेंट को दो पर्संस ऑफ इंटरेस्ट के चैट रिकॉर्ड्स चाहिए, या फेक न्यूज के ओरिजिन को ट्रेस करवाना हो, तब तो क्या इसे बदलना नहीं चाहिए? वेल, नो। पहली बात तो ये है कि केवल सरकार को या कोर्ट को डेटा की एक्सेस कैसे दी जाए। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे केवल सरकार को चैट रिकॉर्ड्स की एक्सेस हो, बाय द वे ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आप कोई बैकडोर बनाएंगे तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी उसे हमेशा ढूंढ सकती है। पर अगर कोई तरीका ऐसा है भी
तो आप अपनी सरकार पर, उन कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कितना भरोसा करते हैं जिनके हाथ में आपके चैट रिकॉर्ड्स होंगे? अक्सर ये दलील दी जाती है कि अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो डर किस बात का। पर निजता की इच्छा कुछ छुपाने के बराबर नहीं होती। अगर होती है तो आपको अपने घर के हर कोने में सरकारी CCTV से समस्या नहीं होनी चाहिए, खास करके अगर आप राजनेता हैं तो। और फिर ये नथिंग टू हाइड नथिंग टू फेयर आर्ग्यूमेंट केवल तभी काम करता है जब आप पर निगरानी रखने वाले की नीयत बिल्कुल साफ हो। अभी देश में उस सरकार का शासन है जिस पर पेगासस स्पाईवेयर से अपने प्रतिद्वंद्वियों पर जासूसी कराने का आरोप है। इससे पहले देश में वो सरकार थी जिसने ब्लैकबेरी को फोर्स किया यूजर्स के चैट रिकॉर्ड्स को अपने साथ शेयर करने के लिए। तो भले ही आज हो सकता है सरकार उसकी हो जिसको आपने तन मन धन से सपोर्ट किया हो, पर कल के दिन सरकारें बदलेंगी, अफसर बदलेंगे, और क्या गारंटी है कि कल के दिन आप एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि सरकार में काम करने वाला कोई व्यक्ति या व्हाट्सएप का कोई कर्मचारी आपके डेटा को लीक कर अपना फायदा ना उठाए? क्या गारंटी है कि आपकी 5 साल पहले कही हुई किसी बात को आज तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए और आपको फंसाया ना जाए? और 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सिस्टम परफेक्ट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सरकार, इनके मन में कोई चोर नहीं है। पर अगर एक क्रिमिनल को पता है कि उसके व्हाट्सएप के रिकॉर्ड्स को निकाला जा सकता है तो व्हाट्सएप का यूज़ करे ही क्यों? और अगर करना भी पड़े तो उसे कौन रोक सकता है अपना एक छोटा सा एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप के ऊपर लगाने से? गवर्नमेंट्स का ये कहना कि एनक्रिप्शन बैन होना चाहिए या कमज़ोर होना चाहिए क्योंकि क्रिमिनल्स इसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा कहने जैसा है कि 2 क्रिमिनल्स आपस में बेंच में बैठकर बात कर सकते हैं, इसीलिए 2 लोगों का आज से प्राइवेट में मिलना बंद। जहां तक व्हाट्सएप की बात है तो एनक्रिप्शन को लगाना कहीं ज़्यादा आसान है, वरना चैट लीक्स एक देश के एक कोर्ट के एक वारंट को दूसरे देश के एक सिटीजन के डेटा पर अप्लाई करना और जासूसी पर रोक लगाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे व्हाट्सएप को निपटना पड़ेगा। और जहां तक रही ट्रेसेबिलिटी की बात, वेल, व्हाट्सएप ने बहुत सारे कारण दिए हैं कि बिना एनक्रिप्शन को ब्रेक किए किसी भी मैसेज की ट्रू ट्रेसेबिलिटी इम्पॉसिबल है। और अगर बिना एनक्रिप्शन को ब्रेक किए मैसेजेस को ट्रेस किया जा भी सकता है तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं कि क्या गवर्नमेंट्स और एजेंसीज इसका मिसयूज नहीं करेंगी? जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस, व्हाट्सएप का क्लाउड बैकअप बाय डिफॉल्ट अनएनक्रिप्टेड होता है, तो आप इसे सेटिंग से ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।